Hi guys, welcome back to my channel. So if you want to follow me on Instagram, I have provided the link into the description box. आप चाहो तो मुझे follow कर सकते हो. तो पहले जैसे आपने देखा है कि मैंने अपना face को अच्छे से clean किया है and then उसके बाद मैं ये primer लगा रही हूँ. एक्चुअली प्राइमर मैंने लगा लिया था, उसके बाद मुझे याद आया कि मेरा मुस्टैच दिख रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँ. तो ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेकअप करने के बाद याद आता है कि अरे मेरा मुस्टैच दिख रहा है तो मुझे शेविंग कर लेनी चाहिए. तो उसके बाद मैंने फिर से प्राइमर लगा लिया एंड देन आई अप्लाइड दिस कंसीलर और आई ट्राइड टू बी लिटिल लाइक अ प्रो बट that didn't work, I know. तो मैंने ये पूरे जहाँ जहाँ लगाया जाता है वहाँ मैंने लगा लिया है कंसीलर एंड देन उसके बाद मैं ऑब्वियसली ब्लेंड कर दूँगी और वो मैंने ब्लेंडिंग दिखाया नहीं है, लाइक पूरा नहीं दिखाया, मैं ब्लेंड कर लूँगी और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी एक पाउडर जो कि टूट गया है अनफॉर्चुनेटली. और राइट नाउ मैं जब तक इसको ख़त्म नहीं करती मैं दूसरा ऑर्डर नहीं दूंगी बिकॉज आई लव मेकअप बट आई एम नॉट एडिक्टेड टू मेकअप. सो ऐसा ही है चीज़, अब क्या करें. और मेरे पास 3 साल पुराना नॉट एक्सपायर्ड तो एक कॉन्ट्रोलिंग है जो मैं क्रीम कॉन्ट्रोल लगा रही हूँ. मुझे पहले ये एक्चुअली पता नहीं था कैसे यूज़ करते हैं, तो नाउ आई नो हाउ टू यूज़ इट. और इसका शेड थोड़ा डार्क होता तो अच्छा होता बट वट एवर, यही है जो है. एंड देन मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और उसके बाद मैं ये ब्लू हेवन का ब्लश यूज़ कर रही हूँ जो कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है पर ठीक ठाक है, नॉट अ बैड प्रोडक्ट. एंड उसके बाद मैं ये क्या लगा रही हूँ, मेबेलिन का हाइलाइटर. एक तो इतने जल्दी जल्दी क्लिप्स जा रहा है कि याद ही नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट है. एंड देन मैं ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो किट यूज़ कर रही हूँ और मैं बस पिलअप कर रही हूँ, कोई ड्रॉ वॉ कुछ नहीं कर रही हूँ. जो है सही है, असली है, कोई फेक नहीं है आईब्रोज़, बस ड्रॉ कर रही हूँ. और उसके बाद बोलना ख़त्म हो जाता है लेकिन एप्लीकेशन ख़त्म नहीं होता है. आई हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट स्टेप. ओ अगला वाला दूसरा वाला भी कर रही हूँ. एंड देन उसके बाद मैं सेम हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपने आईलिड पे. ये बहुत ही सिंपल सा मेकअप है, लाइक इफ़ यू आस्क मी योर गो टू मेकअप देन दिस इज़ व्हाट आई डू. इफ़ आई हैव लाइक क्विकली आई हैव टू गेट रेडी तो मैं जल्दी यही लुक करती हूँ. एंड देन आई एम अप्लाइंग दिस मस्कारा फ्रॉम लैक्मे, आई गेस नो मेबेलिन. एक्चुअली ये वाटर प्रूफ है, मैं बाहर जाती तो यही यूज़ करती हूँ, बस घर में अगर शूट करना हो तो मैं लैक्मे का यूज़ करती हूँ. एंड आई मस्ट से लैक्मे वाला मस्कारा एकदम फालतू मस्कारा है, वो बिल्कुल ना यूज़ कीजिए. अगर नया लैक्मे का निकला है तो वो नहीं पता, मैं पुराने वाले की बात कर रही हूँ. वो वाटर प्रूफ नहीं है, आपके आँखों से पानी गिरा तो वो भी बह जाएगा पानी के साथ. एंड देन आई थॉट ऑफ अप्लाइंग दिस लिपस्टिक एंड आई अप्लाइड इट. मुझे लगा कि चलो अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे लगा अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अच्छा अगर लग भी रहा है तो मुझे आज ये नहीं चाहिए. तो मैंने फिर से ये पोंछ डाला, यस, और मैंने कंसीलर अप्लाई किया अपने लिप्स में क्योंकि मैं कोई पिगमेंटेशन नहीं चाहती. फिर मैंने ये एक और एक प्रोडक्ट लगाया जो कि उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, ये भी खाना का स्वाद उतर जाता है, लेकिन मैंने इसका कोई जुगाड़ किया और मैं एक्चुअली डर गई थी क्योंकि हाँ बाल फंस गया था उसमें एक्चुअली, या वॉट एवर लेट्स मूव ऑन. तो मैं डर गई थी क्योंकि मुझे लगा कि इधर उधर हो जाता है क्योंकि ये सारी जो लिपस्टिक्स है, लिक्विड लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक, बहुत जल्दी यू नो ड्राई हो जाता है, समय नहीं देता अप्लाई करने के लिए. तो मैं तुरंत कर रही थी एंड देन अगेन मैं तुष्टि नहीं हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इसके ऊपर ग्लॉस अप्लाई किया जाए. तो मैंने ग्लॉस अप्लाई किया है और इससे एक चीज़ अच्छा हुआ, ये लिपस्टिक खाने के बाद भी उतरी नहीं है. तो आई वॉज़ इन डाइट दैट डे, पर मैं तो कुछ खाई नहीं थी, पर मैं जो भी खाई थी लिपस्टिक एकदम अपनी जगह पे था. और मैं आई ट्राइंग टू बी लिटिल प्रो विच इज़ नॉट हैपनिंग हियर. And this is the final look, guys. I hope you enjoyed it. And if you enjoyed it, then like this video, share this video, and also subscribe, guys. और bell button भी आप दबा दीजिएगा. और मैंने इस video को पूरा एकदम natural सा voice over देने की कोशिश किया है. कोई I don't like actually ये बोलना कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, आपको दिख रहा है ना, I just feel bored. तो मैंने सोचा कि अनकट ही आपको बता दूँ कि मैंने actually
क्या क्या किया है। जब मैं मेकअप करती हूँ, लोग समझते हैं जब मेकअप करते हैं तो बहुत ईजी होता है, पर नहीं, इसका जो पीछे का जो कट सीन होता है ना, ये ऐसा होता है। तो चलो, बाय गाइस, लव यू।